मोस्ट ऑफ द टाइम बंदा क्या करता है इस जगह पर आकर टीपीपी या कैम करता है। सो तुम क्या करते हो इस जगह पर आकर पिक करके या ओपनली फाइट लेते हो और ठिल जाते हो। आपको यहाँ पर चर्च जाना है, सेम इस पॉइंट पर स्प्रे दो, बंदा ठिल जाएगा। अभी एनिमी का भी पीओवी देख लो। और एक इम्पोर्टेंट बात, बंदा अगर कैम कर रहा है तो ही ऐसे मारो, बंदा नेक्स्ट टाइम कैम यहाँ पर नहीं करेगा। चलते हैं टिप नंबर टू की तरफ। सो टिप नंबर टू भी उससे रिलेटेड है। देखो बंदा अगर यहाँ पर कैम या टीपीपी ले रहा है और तुम अगर ऑपोजिट साइड से राश मार रहे हो, मतलब इस साइड से राश मार रहे हो, तो तुम क्या करते, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम राइट साइड से फाइट लेने की कोशिश करते हो और ठिल जाते हो। देखो तुम अगर थोड़ा सा बंदे को चकमा देके लेफ्ट साइड से इस पॉइंट पर गोली करते हो तो बंदे को इजिली मार सकते हो। सो आपको भी पता है टीडीएम में या 1v1 में कितना इंटेंस फाइट होता है। तुम अगर ए मेरी पॉइंट याद रखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाली फाइट आप जीत सकते हो। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक कर दो। चलते हैं टिप नंबर थ्री की तरफ। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से आके इस कंटेनर के पीछे टीपीपी या कैम करता है। तो तुम्हें आ जाना इस जगह पर, इस जगह पर आके सामने जो गैप देख रहे हो यहाँ से फायर लो और बंदा ठिल जाएगा। ये नहीं कि आपको यहाँ से फाइट लेना है, समटाइम काम आ जाता है। चलते हैं टिप नंबर फोर की तरफ। सपोज तुम यहाँ पे बैठे हो, बंदा आगे से पूछ दे रहे, तो पहले तो तुम पिक करके डैमेज दो, देन उठ के इस गैप से इजिली मार दो। चलते हैं लास्ट एंड फिफ्थ टिप की तरफ। बंदा अगर यहाँ पर टीवीपी ले रहा है, आप अगर यहाँ से लेफ्ट पिक करके फायर देने की कोशिश करते हो, 90 ऑफ द टाइम आप ढिल जाते हो। सो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसके सेंटर में एक गैप होता है, इससे आप डैमेज देके फाइट भी ले सकते हो, आप ऐसे मार भी सकते हो। सो गाइस ये जो मैंने पांचों टिप बताया आपको, ये 90 ऑफ द टाइम आपको वो वाली फाइट जिता सकता है। आई नो कुछ प्रो प्लेयर कॉमेंट में आके गेन देंगे, ये तो हम लोगों को पहले से पता था। सो मेरे बहुत से भाई लोगों को अभी भी पता नहीं है, मुझे पता है।